गुजरात विधानसभा में इलेक्शन ने लई सूरत में चूंटणी माहौल जबरदस्त गरमाई रह्यो छे, जेने लई तमाम राजकीय पार्टीना दिग्गज नेताओं चूंटणी प्रचार अर्थे सूरत आवी रह्या छे। आजे कांग्रेसना राज्यसभाना सांसद अने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक सूरत आव्या हता, ज्यां पत्रकार परिषद संबोधता तेमणे भाजपने आड़े हाथे लीधी हती। भाजप पर प्रहार करता जणाव्युं हतुं के मोदी ने रात्रे ऊंघ पण आवती नथी अने जो आवी जाय तो पण सपनामां मात्र कांग्रेस ज देखाया करे छे। समग्र गुजरात में विधानसभा इलेक्शन चूंटणी प्रचार धमधमाट चाली रह्यो छे। आ वखते चूंटणी में राजकीय वातावरण खूब ज गरम अने रसप्रद जोवा मळी रह्यु छे। विधानसभा इलेक्शन ने लई सूरत में तमाम राजकीय पार्टीओ एडी चोटीनुं जोर लगावी रही छे, जेने लई तमाम राजकीय पार्टीना दिग्गज नेताओं सूरत पण आवी रह्या छे। आजे कांग्रेसना राज्यसभाना सांसद अने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक सूरत पहोंच्या छे। तेओ कांग्रेसना चूंटणी प्रचार माटे सूरतमां 27 तारीख सुधी रहेवाना छे, ત્યારે આજે મુકુલ વાસનિક દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। એ બડે ચિંતા કી બાત હૈ કે ભારતીય સંવિધાન મે જો બુનિયાદી વિચાર રખે હુએ હૈ ઉન વિચારો કે સામને ભારતીય જનતા પાર્ટી કી ઓર સે બહોત બડી ચુનૌતી આજ ખડી કરી ગઈ હૈ। સંવિધાન કે નામ સે શપથ તો લેતે હૈં, लेकिन हमारी जो बुनियादी बातें भारतीय संविधान के सामने हैं, उनके सामने जो खतरा आज नज़र आता है, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी थी नहीं। हमारी कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, हमारी न्यायपालिका के सामने कैसा दबाव है, पत्रकारिता किस तरह से दबाव के नीचे काम करती है, इस पर मुझे बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत है, जिस तरह से कि सभी भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, अगर सिर्फ यही एक सिद्धांत के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम आकलन करेंगे, तो पता चलता है कि इस एक ही सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो गुजरात की सरकार हो या केंद्र सरकार है, वो पूरी तरह से शत प्रतिशत वो नाकामयाब रही है। यहाँ पर किस तरह से जुमलों का इस्तेमाल पिछले सालों में हुआ, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे अच्छे दिन की बात हो, काले धन की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, यहाँ सूरत में ही अगर सैकड़ों स्कूल अगर निजी क्षेत्र में खुलते हैं तो सरकारी स्कूल महज 5 खुलते हैं, यहाँ पर अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अगर बात करें, चाहे रेप हो, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज और तमाम उत्पीड़न की घटनाएं अगर देखते हैं, तो पता चलता है कि 2020 में 371,000 जो अपराध की केसेस दर्ज हुई थी, उसमें अब 15% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई। अब 4,28,000 से अधिक मामले महिलाओं के अपराध से संबंधित यहाँ पर गुजरात में दर्ज होते हैं, और ये दर्ज होने के बाद उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ये पता चलता है कि 97% मामले ये कोर्ट में प्रलंबित है, यानी महज 3% मामले उसके ऊपर कोई फैसला कोर्ट ने दिया। 97% मामले अगर प्रलंबित है तो महिलाएं न्याय मिलने से कितनी दूर है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सूरत के मामले, गुजरात में छेल्ला 27 वर्षथी भाजपा नुं शासन छे अने केन्द्र में छेल्ला 8 वर्षथी भाजप सरकार बनी छे, तेम छतां हजु पण कांग्रेस ऊपर ज दोषनो टोपलो ढोळवामां आवे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, सूरत।